जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में 37 पर चार्जशीट। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। राज्य की सीबीआई की विशेष अदालत में शनिवार को 12 साल बाद जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप समेत 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब अदालत 8 मई को दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया जाएगा। सीबीआई की चार्जशीट में जेपीएससी के तत्कालीन वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह, सदस्य राधा गोविंद, शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषारानी, सीमा सिंह, सुषमा, नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी, अलका कुमारी, मोहनलाल मरांडी, डॉक्टर अशोक कुमार झा, आनंद कुमार, परमेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण, अरविंद कुमार, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर संगीता कुमारी, दो जेलर, डीटीओ आदि भी शामिल है। 25 से 30 आरोपी ऐसे हैं जो प्रोन्नति पाकर अब अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी बन चुके हैं। द्वितीय नियुक्ति घोटाले की चार्जशीट भी जल्द। जेपीसी प्रथम सिविल की पीटी 28 दिसंबर 2003 को हुई थी। 23 जून से 7 जुलाई 2005 को मुख्य परीक्षा चली थी। इसके बाद 15 फरवरी 2006 से इंटरव्यू हुए थे। इसमें कुल 64 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। बाद में गड़बड़ी की बात सामने आने पर हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 जुलाई 2012 को जेपीएससी प्रथम और द्वितीय भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब जल्द ही द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी।